all students of class 8. Welcome to the month of August. In the month of August, we have a unit number 4, which is an introduction to our world. First, I will read this. In the previous classes, you read about South Asia in class 6 and the मुस्लिम वर्ल्ड इन क्लास 7. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में जो है क्लास 6 और 7 में साउथ एशिया और उनके मुसलमानों के बारे में पढ़ा था. इन दिस क्लास यू विल स्टडी द एंटायर वर्ल्ड. और इस क्लास में आप लोग पूरी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे. एंड दिस चैप्टर ऑफर्स अ डिटेल्ड इंट्रोडक्शन. और इस चैप्टर में जो है वो डिटेल इंट्रोडक्शन मौजूद है. हमारे चैप्टर का नाम ही है एन इंट्रोडक्शन टू आवर वर्ल्ड. First, countries. In the previous classes, you studied these countries in detail. Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka and the Maldives in class 6. And Malaysia, Indonesia, Afghanistan, Iran, Turkey, Saudi Arabia, Albania, Bosnia and Herzegovina, Egypt and Sudan in class 7. In this chapter, you will learn about some more countries of the world. Or is चैप्टर में आप लोग दुनिया के और ममालिक के बारे में पढ़ेंगे. नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो कवर करता है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक बड़ा हिस्सा. Red Indian and other native inhabitants lived there before Christopher Columbus discovered it. और Red Indians और पहले से ही रहने वाले बाशिंदे इधर रहते थे जब Christopher Columbus ने इसको discover किया for the West in 1492 AD. 1492 AD में students इस chapter में काफ़ी countries को जो है काफ़ी detail में describe किया गया है. But I will give you a short description of every country and every occupation here. You people have to read it by yourself at homes. Read the whole the topic of any country like United States of America by yourself. Okay? Now I am moving towards the next country from here, which is Russia. Russia is the world's largest country by area. Russia जो है वो area के लिहाज से बहुत बड़ा country है. In the old days, it was ruled by Khazars and Khazrinas. और पुराने ज़माने में जो ये rule किया जाता था वो Khazars से rule किया जाता था और king and queens और या तो king और queens उसको rule करते थे. मतलब उसके ऊपर हुकूमत करते थे. The last Khazars was overthrown by Lenin. और जो आखिरी वक्त था आखिरी दौर के जो Khazars बचे थे रशिया में वो ओवरथ्रो कर दिए गए थे Lenin ने उनको रशिया से बाहर निकाल फेंका था. द लीडर ऑफ कम्युनिस्ट इन 1917-18 जो कि लीडर था कम्युनिस्ट का और ये हुआ था 1917-18 में. कम्युनिस्ट बिलीव दैट ऑल पीपल शुड कलेक्टिवली ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज इंडस्ट्री. और कम्युनिस्ट जो होते हैं वो इस बात पे बिलीव रखते हैं, इस बात पे यकीन रखते हैं कि हर इंसान को जो है वो जैसे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि इंडस्ट्री है, उस पर एक पूरा हक हासिल होना चाहिए. उसको पूरा ओन करता हो उसको, मतलब कि एक चीज़ जैसे कि इंडस्ट्री है वो उस पर सिर्फ एक अमीर तबके का बंदा ही जो है वो उसमें जा ना सके सिर्फ, बल्कि हर इंसान को उससे फ़ायदा हासिल हो रहा हो. दे डिड नॉट बिलीव इन द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स. और वो ये इस बात पर बिलीव नहीं रखता था कि वो जो है वो सिर्फ एक इंफरादी बंदा उससे फ़ायदा हासिल कर सकता है टू ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ इंफरादियत के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता, बल्कि वो ये सोचता था कि वो इज्तमाही तौर पर हर एक बंदा उससे फ़ायदा हासिल कर सके. दिस सिस्टम ऑफ इकॉनमी वॉज कॉल्ड कम्युनिज्म और सोशलिज्म. और इस सिस्टम को जो हम क्या कहते हैं, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म. एंड वॉज डिस्क्राइब इन ग्रेट डिटेल बाय अ जर्मन फिलोसोफर कॉल्ड कार्ल मार्क्स.
और ये जो है वो डिटेल में समझाया गया जर्मन फिलोसोफर के जरिए कार्ल मार्क्स, जिसका नाम था हुज आइडियाज हैड इम्प्रेस्ड लेनिन एंड हिज फॉलोअर्स, और जिसके आइडियाज ने जो है वो इम्प्रेस किया लेनिन को और उसके फॉलोअर्स। लेटर रशिया कैप्चर्ड मैनी ऑफ द स्टेट ऑफ सेंट्रल एशिया, और फिर कुछ टाइम बाद जो रशिया ने कैप्चर कर लिया बाकी स्टेट को सेंट्रल एशिया के, एंड द होल कंट्री बिकम नोन एज द, और फिर ये पूरा कंट्री जो है वो एक नोन हो गया, मतलब कि ज़्यादा पहचाना हो गया एज द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स और द USSR। ये जो है फिर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जो है वो काफ़ी मशहूर हो गया, नोन हो गया। नाउ ऑन पेज नंबर 25 यू ऑल कैन सी चाइना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, स्टार्टेड इन चाइना अराउंड 3500 बिफोर क्राइस्ट। ये जो चाइना की जो सिविलाइजेशन थी, सकाफत थी, वो तकरीबन 3500 साल पहले जो है शुरू हुई, द सेम टाइम एज द रिवर वैली सिविलाइजेशन, और रिवर वैली सिविलाइजेशन भी जो है वो उसी वक्त पर ही जो है स्टार्ट हुई थी। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम दिस कंट्री वॉज रूल्ड बाई किंग्स एंड क्वीन, और ये जो है ये काफ़ी टाइम के लिए ये कंट्री जो है वो रूल किया गया किंग और क्वीन से, अंटिल वेस्टर्न कॉलोनियल कॉलोनियल पावर्स स्पेशली ब्रिटेन डेवलप्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड हियर, और जब तक के यहाँ पर वेस्टर्न कॉलोनियल ने अपना इन्फ्लुएंस नहीं डाला, अपना असर नहीं डाला, अपनी हुक्मरानी यहाँ पर जाहिर नहीं की, तब तक ये जो है ये कंट्री वो किंग ऑफ क्वींस के थ्रू और वेस्टर्न कॉलोनियल्स के थ्रू जो है वो रूल किया गया। दे डिड नॉट रूल द कंट्री बट हैड इनॉर्मस कंट्रोल, और इन्होंने जो है वो रूल नहीं किया कंट्री पर बाकायदा, बल्कि उनका एक काफ़ी कंट्रोल था कंट्री पर, स्पेशली ओवर ट्रेड एंड इकॉनमी, और स्पेशली किसमें, ट्रेड और इकॉनमी पे। चाइना बिकेम अ कम्युनिस्ट कंट्री इन 1949 AD में जो चाइना जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री बना अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ टीस्टंग 1893-1976 के दौरान जो है वो किसकी लीडरशिप में, माओ टीस्टंग के लीडरशिप में जो है चाइना जो है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री बन गया, बट डेवलप मेजर डिफरेंस विद द USSR, और लेकिन इसने जो है डिफरेंस काफ़ी कायम कर लिया USSR से। इट ऑल्सो डेवलप बाउंड्रीज कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, और इसने जो है अपने एक झगड़ालू रिश्ता भी कायम कर लिया इंडिया से, विच लेटर लेड टू अ वॉर, और जो कि थोड़े टाइम बाद जो है वो किस पर उतर आया, एक वॉर में, मतलब एक जंग में। फॉर दिस रीजन चाइना हैज़ रिमेन्ड अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान सिंस द 1950, और यही वजह है कि 1950 से जो है चाइना पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी पेज नंबर 28 जापान। इन द लोकल लैंग्वेज द नेम ऑफ दिस कंट्री इज निपॉन, लोकल लैंग्वेज में जो है इस कंट्री का नाम निपॉन है, बट इट इज़ नोन एज जापान बाय द वर्ल्ड, लेकिन ये जो है पूरी दुनिया में किस नाम से जाना जाता है, जापान के नाम से। इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, और इसकी जो है काफ़ी लंबी हिस्ट्री है सकाफत के बारे में, इसकी सिविलाइजेशन के बारे में, बिगनिंग अराउंड द 9th century बिफोर क्राइस्ट, और ये जो शुरू हुई थी वो 9th century में से पहले शुरू हुई थी इसकी सिविलाइजेशन। हाउ एवर द जैपनीज वर एक्सट्रीमली सस्पिशियस ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, और जैपनीज जो है वो काफ़ी तजस्सुस का शिकार रहते थे बाहर की दुनिया के बारे में, मतलब पूरी दुनिया के बारे में, हैंस यूरोपियन आइडियाज एज वेल एज ट्रैवलर्स, और जबकि यूरोपियन के जो आइडियाज़ थे और ट्रैवलर्स की जो राय थी वर नॉट अलाउड इन द कंट्री अनटिल 720 AD, और तब तक उनको अलाउ नहीं किया गया था कि वो इस कंट्री में दाखिल हो सकते हैं 1720। जापान्स इंट्रैक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड ट्रूली बिगेन व्हेन इट साइंड अ ट्रेड टेरिटरी विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1853 AD, और जापान की जो है वो इंट्रैक्शन कब शुरू हुई बाहर की दुनिया बाकी ममालिक से, जब उसने जो है वो एक ट्रेड टेरिटरी साइन किया, एक माहदे पे साइन किया विद द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ 1853 AD में। आफ्टर दैट जापान वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड पावर लाइक यूरोपियंस, और उसके बाद जो है जापान ने क्या बनने की कोशिश करी, एक वर्ल्ड पावर बनने की कोशिश करी यूरोपियंस की तरह, एंड द पॉपुलर स्लोगन वॉज, और इसका पॉपुलर स्लोगन क्या था, नारा क्या था उनका, एनरिच द कंट्री स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथन द आर्मी, मतलब कि जो कंट्री जो मुल्क जितना मालामाल होगा हर तरीके से जो है वो डेवलप्ड होगा, उसी तरह उसकी आर्मी जो है वो काफ़ी मजबूत होगी। इट फाउट अ वॉर विद चाइना इन 1894 to 95 AD। इसने जो है वो एक वॉर लड़ी थी चाइना से कौन से सन में, 1894 से 1895 तक, एंड वन विद रशिया, और इसने एक रशिया के साथ भी वॉर लड़ी थी 1904 से 1905 AD। इट वॉन बोथ वॉर्स बिकॉज ऑफ इट्स मॉडर्न वेपन्स एंड सुपीरियर आर्मी। और ये जो है वो दोनों वॉर्स जो है वो जीत गया था बिकॉज ऑफ मॉडर्न वेपन्स, उसके पास जो है वो काफ़ी जदीद हथियार थे और उसकी आर्मी जो है वो काफ़ी सुपीरियर थी, काफ़ी मजबूत थी। ऑस्ट्रेलिया, द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज मेड अप ऑफ 6 states। ऑस्ट्रेलिया की जो ऑस्ट्रेलिया जो किस पे बेस करता है, 6 states पर, एंड इंक्लूड मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और जिसमें ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट्स भी शामिल है। यूरोपियन स्टार्टेड टू डिस्कवर एंड एक्सप्लोर द कॉन्टिनेंट, और यूरोपियंस ने जो है वो स्टार्ट किया इस इन कॉन्टिनेंट्स को डिस्कवर करना 1567 AD एंड ऑनवर्ड्स। 1567 AD में जो है वो स्टार्ट किया था और आगे तक ये सफ़र जारी रहा था। बट दे डिड नॉट शो मच इंटरेस्ट इन दिस फार ऑफ लैंड, लेकिन इसमें जो है उन्होंने इतना अपना इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया। द ब्रिटिश डेवलप द आइडिया ऑफ यूजिंग इट, और ब्रिटिश ने जो है वो डेवलप किया कि इस चीज़ को किस में यूज करें, इट टू पनिश देयर क्रिमिनल्स, कि वो अपने तमाम मुजरमों को पनिश करें, जिसमें में जो है वो 568 मैन थे एंड 191 वुमेन वर कन्विक्टेड ऑफ वेरियस क्राइम्स, और जिसमें जो है 568 मैन और 191 वुमेन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जुर्म में जो है वो वहाँ पर मुजरिम थे, एंड इन ब्रिटेन वर सेंट टू लिव देयर फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, और उनको जो है वो भेज दिया गया था ताकि वो ब्रिटेन में ताकि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी वहाँ गुजारें। दे लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया, और उन्होंने लैंड किया ऑस्ट्रेलिया में कब, ऑन January 26, 1788, विच इज़ नाउ सेलिब्रेटेड एज ऑस्ट्रेलिया डे, और जो कि अब जो है वो किस उससे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया डे के नाम से। नाउ स्टूडेंट्स, सो कम ऑन पेज नंबर 30, आई एम मूविंग टूवर्ड्स दी ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशंस इन विच नंबर 1 इज एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक फार्म। यहाँ पर हम एग्रीकल्चर और फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्यूपेशंस वो तमाम पेशे जो पूरी दुनिया में अपनाए जाते हैं, जिनके थ्रू पूरा ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड चलाई जाती है, जिस पर इन्हिसार करती है ऑक्यूपेशंस। एग्रीकल्चर इज कॉमन थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट द पैटर्न इन डेवलप्ड कंट्रीज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन डेवलपिंग कंट्रीज। एग्रीकल्चर जो है वो पूरी दुनिया में कॉमन है, लेकिन जिस मेथड से एग्रीकल्चर की जा रही है, जिस मेथड से ज़राअत की जा रही है, वो पूरी दुनिया के हर ममालिक में अलग है, क्योंकि वो किस चीज़ पर बेस करती है कि वो कंट्री कितना डेवलप था और कितना डेवलप नहीं है, मतलब कि उसके पास कितने ज़्यादा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, कितनी वहाँ पर टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की जा रही हैं और कितनी नहीं की जा रही, उस बेस पर जो है एग्रीकल्चर दुनिया के हर ममालिक में जारी है। फॉर इंस्टेंस, एग्रीकल्चर कवर्स अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, जैसे कि एग्रीकल्चर जो है वो कवर करती है एक बड़ा हिस्सा किसी भी ज़मीन का इन द यूनाइटेड स्टेट्स, बट ओनली 3% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑक्यूपाइड इन दिस फील्ड। यूनाइटेड स्टेट्स में सिर्फ 3% पॉपुलेशन जो होती है वो इस फील्ड से मुंसलिक है, एंड मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन्स, और इसका जो है ज़्यादातर काम जो है वो मशीन्स के थ्रू किया जाता है। इन पुअर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जैसे कि कुछ गरीब ममालिक जैसे कि पाकिस्तान, हाउएवर देयर आर एरियाज वेयर सम पीपल डू नॉट इवन हैव एनिमल्स। यहाँ पर पाकिस्तान में यहाँ तक के लोगों के पास एनिमल्स भी नहीं है, कोई जानवर भी मौजूद नहीं है टू हेल्प देम विद इरीगेशन, जो उनकी इरीगेशन में मदद कर सके, एंड मैन एंड वुमेन देमसेल्व्स पुल हैवी बकेट्स फ्रॉम द वेल्स टू इरीगेट देयर लैंड्स, और इसमें मैन और वुमेन जो हैं वो खुद ही भारी भारी बाल्टियाँ उठाते हैं इरीगेट करने के लिए, अपने खेतों में पानी पहुँचाने के लिए खुद ही अपनी इंसानी मेहनत कर रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी वसाइल ही मौजूद नहीं है कि वो जो है इस इरीगेशन सिस्टम को जो है वो किसी मशीनरी के थ्रू किया जा सके। फिशरी,
फिशरी इज़ अ थ्राइविंग प्रोफेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड. फिशरी जो है वो एक बहुत ही भला और फूला हुआ एक प्रोफेशन है पूरे वर्ल्ड का. मॉडर्न फिशिंग टेक्निक्स इंक्लूड द यूज़ ऑफ बिग ट्रॉलर्स दैट कैच फिश फ्रॉम डीप सी. और जो कि मॉडर्न टेक्निक्स में जो शामिल है बिग ट्रॉलर जो कि कैच करता है पकड़ता है फिशेस को फ्रॉम डीप सी बहुत किसी भी समंदर की गहराई में जाके विथ हाईली इफेक्टिव नेट्स. और इसकी बहुत जो है वो इफेक्टिव नेट्स होती हैं बिग ट्रॉलर्स की जो कि किसी भी समंदर की गहरी तह में जाके मछलियों को पकड़ता है. हाउ एवर दीज मैथड्स आर समटाइम बैड फॉर द एनवायरनमेंट. और जबकि यही मैथड जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए कभी कभी बुरे असरार डालते हैं. वाई ट्रेडिशनल नेट्स ओनली कैच द बिग फिश. जबकि ट्रेडिशनल नेट जो कॉमनली यूज होती हैं वो जो है वो सिर्फ बड़ी मछलियाँ पकड़ते हैं एंड लीव द स्मॉलर वंस टू ग्रो. और वो छोटी मछलियों को नहीं पकड़ पाता और उनको रहने देता है ताकि वो बढ़ और ग्रो कर सकें. द मैकेनिकल नेट्स ऑफ मोर डेवलप्ड ट्रॉलर्स. और जो मैकेनिकल नेट्स हैं और डेवलप्ड ट्रॉलर्स के समटाइम डू नॉट लीव एनी फिश. और वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो छोटी मछलियों को नहीं छोड़ता पानी में टू बी कॉट फॉर द नेक्स्ट टाइम जो कि अगले वक्त में पकड़ी जा सके. वो कभी कभी सारी मछली जो है वो बाहर पकड़ के निकाल लेते हैं. इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स. अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में. ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे हैव डेवलप्ड सम ऑफ इंडस्ट्रीज. और तकरीबन आजकल के दौर में हर मुल्क ने जो है वो काफ़ी डेवलपमेंट हासिल कर ली है इंडस्ट्रीज में सनती एरिया में. डेवलप कंट्रीज स्पेशलाइज इन हैवी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज. और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी उनको इतनी महारत हासिल हो गई है कि उनके पास हैवी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं फैक्ट्रीज मौजूद हैं डेट कैन मेक बिग मशीन्स जो कि बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स बना सकती हैं. वाइल डेवलपिंग कंट्रीज यूजुअली हैव इंडस्ट्रीज. और जबकि डेवलपिंग कंट्रीज के पास इंडस्ट्रीज हैं वेयर दोज मशीन्स आर असेंबल्ड वंस दे आर इम्पोर्टेड फ्राम इंडस्ट्रियलाइज कंट्री बट स्पेयर पार्ट्स आर समटाइम मेड इन डेवलपिंग कंट्रीज. और इसके स्पेयर पार्ट जो हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में. ट्रेड इज़ एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन रिटर्न ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ट्रेड जो है वो एक तरीके से एक्सचेंजिंग होता है गुड्स का किसी भी दो मुल्कों के दरमियान सिंस द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज नॉट एक्सेप्टेबल इन अनदर. और जबकि एक मुल्क की करेंसी जो होती है वो दूसरे मुल्क में एक्सेप्टेबल नहीं होती. फॉरेन एक्सचेंज और करेंसी एक्सेप्टेबल टू ऑल कंट्रीज इज नीडेड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. गोल्ड वॉज यूज फॉर दिस पर्पज़ इन द पास्ट. और इस मकसद के लिए जो है जिस तरह एक कंट्री की दूसरी कंट्री में करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं होती तो इसी तरह पुराने ज़माने में जो है गोल्ड एक्सचेंज किया जाता था इस ट्रेड में. बट नाउ द US डॉलर्स इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज फॉरन एक्सचेंज. और लेकिन अब जो US डॉलर्स जो है वो कॉमनली एक्सेप्टेड होते हैं फॉरन एक्सचेंज. माइनिंग कहता है कान कनी करना मतलब खोद के निकालना ज़मीन के अंदर से. माइनिंग इज़ अ वेरी ओल्ड प्रोफेशन पर हैप्स ओल्डर दैन एग्रीकल्चर. और जबकि ये एग्रीकल्चर से भी पुराना एक प्रोफेशन है. टुडे द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग ऑपरेशन इज़ द एक्सट्रक्शन ऑफ पेट्रोलियम. और आजकल के दौर में जो सबसे कॉमनली जो माइनिंग हो रही है वो किसकी हो रही है पेट्रोलियम की. पेट्रोल की एज इट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इन अ मॉडर्न सोसाइटी. और मॉडर्न सोसाइटी में इसकी हर तरीके से जो है वो ज़रूरत है. अदर मिनरल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जबकि बाकी मादियाँ जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं एंड हेंस माइनिंग इज कैरीड आउट थ्रू आउट द वर्ल्ड. और जिनकी माइनिंग जो है वो पूरी दुनिया में चल रही है. डेवलपिंग कंट्रीज यूजअली एक्सपोर्ट देयर मिनरल्स. और डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं वो अपने मिनरल्स को एक्सपोर्ट भी करता है उसके थ्रू काफ़ी जर मुबादला काफ़ी पैसा भी कमाते हैं. एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन अ रॉ फॉर्म. और नेचुरल रिसोर्सेज को अपने रॉ फॉर्म में उनको एक्सपोर्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज दे डू नॉट हैव सूटेबल इंडस्ट्रीज फॉर प्रोसेसिंग दीज सब्सटेंसेस. क्योंकि उनके पास इंडस्ट्रीज नहीं होती कि वो इस प्रोसेस से गुजर सकें एंड टर्निंग देम इनटू प्रोडक्ट्स. और उसको एक फिनिशिंग गुड एक प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट कर सकें. इस वजह से वो अपना रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी होते हैं. डेवलप कंट्रीज इन टर्न इम्पोर्ट दिस रॉ मटेरियल. और डेवलप कंट्रीज जो होते हैं वो इम्पोर्ट करते हैं ये रॉ मटेरियल इन एडिशन टू देयर ओन नेचुरल रिसोर्सेज. और अपने नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए एंड प्रोसेस दैट टू मैन्युफैक्चर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स सम ऑफ विच आर सोल्ड बैक टू डेवलपिंग कंट्रीज. और फिर ये जो गुड्स बन जाते हैं तो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो बन जाते हैं वो फिर उसको सोल्ड कर
कर दिए जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। नाउ दी सर्विसेज, सर्विसेज कहते हैं खिदमात को। सर्विसेज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। सर्विसेज जो है वो भी एक बहुत अहम ऑक्यूपेशन है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ जॉब्स, और यहाँ पर हमारे पास कितने किस्म की जॉब्स होती हैं, टू टाइप्स की, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक सर्वेंट्स आर एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं वो किसकी तरफ से एम्प्लॉयड किए जाते हैं, गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट की तरफ से। एंड दे सर्व द पीपल, और वो किसको सर्व करते हैं, पीपल, लोगों को। ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कौन कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी, पुलिस, कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सो ऑन, आर रन बाय पब्लिक सर्वेंट्स। और ये सब जो इदारे हैं ये किससे, कौन चलाता है, पब्लिक सर्वेंट्स चलाते हैं। तब इनकी खदमात से जो है वो ये तमाम इदारे खदमात सर अंजाम देते हैं। प्राइवेट जॉब्स आर ऑफर बाय प्राइवेट कंपनीज सच एज बिजनेस फर्म्स, प्राइवेट स्कूल्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, एंटरटेनमेंट कंपनीज एंड सो ऑन। प्राइवेट जॉब जो है वो कौन देता है, प्राइवेट कंपनीज देती हैं, जैसे कि बिजनेस फॉर्म, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, एंटरटेनमेंट कंपनीज एंड सो ऑन। मैनी पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑल्सो चूज टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। मॉडर्न वर्ल्ड में जो है काफ़ी लोग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब खुद ही तरीके से एक रोज़गार हासिल करना चाहते हैं अपनी बेस पर, और फ्री लेंसर। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल आर नॉट हायर्ड बाई अ कंपनी, और सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं वो खुद वो किसी भी कंपनी के, कोई कंपनी उनको हायर नहीं करती, एंड चूज टू वर्क फॉर देम सेल्फ। वाई फ्री लेंस वर्किंग मीन्स, फ्री लेंस का मतलब क्या है, टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड ऑफर सर्विसेज टू डिफरेंट कंपनीज और पीपल। और फ्री लेंस में ये होता है कि वो इंडिपेंडेंटली कोई भी बंदा काम करता है और अपनी सर्विसेज ऑफर करता है डिफरेंट कंपनीज और लोगों को। सो स्टूडेंट्स, यू ऑल कैन सी द सम इंटरेस्टिंग सिटीज इन दिस यूनिट विच यू पीपल हैव टू लर्न इट बाय योर सेल्फ एट योर होम्स। So the timings of the today's session has been ended. Till then, Allah Hafiz, stay safe and stay at your homes.